गुड मॉर्निंग एवरीवन, विद्याघर अ कंप्लीट एसटीडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 मई 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 मई। जो बच्चे अपने माता पिता से अलग या खो जाते हैं उनकी याद में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत रोनाल्ड रेगन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने 1983 में इसकी शुरुआत की थी तथा इसी दिन वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाया जाता है तथा मैंने प्रीवियस वीडियो में बाकी डेज के बारे में बताया है तो बाकी डेज के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। इस आयोग के अंतर्गत अलग अलग राज्यों से जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं उन्हें काम दिया जाएगा। तो यह बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है तथा उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट स्थानों पर आरोग्य सेतु अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं तथा वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। तो अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से ब्राजील के यात्रियों पर रोक लगा दी है। तो यह बात आई है ब्राजील की। तो ब्राजील के बारे में जान लेते हैं, इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है तथा वहाँ की करेंसी ब्राजीलियाई रियल है तथा वहाँ के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। तो यह बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं तथा वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राजीव जोशी, आभास झा, पी एस रूमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव जोशी। इन्हें इंडो अमेरिका साइंटिस्ट या इन्वेंटर भी कहा जाता है। ये IBM थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में कई इनोवेशन किए हैं, इसलिए उन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं झारखंड, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने की घोषणा की है। तो यह बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं तथा वहाँ के गवर्नर फागू चौहान हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं ICC, BCCI, IOC, NADA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IOC। तो यह बात आई है IOC के बारे में, तो IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तथा इसकी स्थापना 1894 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है तथा इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट थॉमस बेच हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, जस्टिस AK सिकरी, इनमें से कोई नहीं। इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर यानी कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस AK सिकरी। तथा ये भारतीय विवाद समाधान केंद्र ये पूरी तरीके से पेपरलेस होगी, यानी कि इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में गिगी सिमोनी का निधन हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, फुटबॉलर, क्रिकेटर, लेखक, पत्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉलर। गिगी सिमोनी एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को 177 से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अमेरिका, जापान, अफ्रीका, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने हाल ही में रक्षा बजट को 177 से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। तो यहाँ बात आई है चीन की, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल बीजिंग है तथा वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है तथा वहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आप इस वीडियो के करंट अफेयर्स क्विज रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्विज बना सकते हैं। तथा ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।